आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। मैं सहल कुरेशी, अदानी ग्रुप पर जिस तरीके से घोटाले का आरोप लगा उसके बाद में जो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई उसके बाद अदानी की तरफ से, अदानी ग्रुप की तरफ से तकरीबन 400 पन्नों का एक जवाब दिया गया हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के खिलाफ। और उसके बाद जो बातें उसमें कही अदानी ग्रुप की तरफ से, और ये कहा कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है वो अदानी पर नहीं, वो भारत पर हमला है, वो देश पर हमला है। यानी कि एक देश के अंदर एक चलन ये चल चुका है कि जब भी कुछ होता है तो फौरन राष्ट्रवाद का चोला पहन लीजिए। और इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए हिंडनबर्ग ने इसका जवाब दिया, और हिंडनबर्ग ने कहा कि अदानी जो है वो अपने घोटाले को तिरंगे की आड़ में छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको हम बताते हैं कि 413 पन्नों का जो जवाब दिया अदानी ग्रुप की तरफ से हिंडनबर्ग को, उसके अंदर क्या कुछ कहा है, क्योंकि ये तो हम सभी को पता है कि जो तमाम जो चीज़ें हुई उसके बाद अदानी जो थे, जो दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति थे, महज 3 दिन के अंदर वो पहले 5वें नंबर पर आए खिसक कर, और उसके बाद आज इस वक्त जो है वो अदानी 8वें 9वें नंबर तक पहुंच चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है उस पर जो सवाल उठा रहा है अदानी ग्रुप, उस पर हिंडनबर्ग ने भी क्या कुछ कहा है, क्योंकि अदानी ग्रुप ने जो बातें कही है, अदानी ग्रुप ने कहा है, 4 पॉइंट्स में जवाब दिया है, अदानी ग्रुप ने कहा है कि रिपोर्ट भारत के विकास और उम्मीदों पर हमला है। दूसरा कहा है कि आधे अधूरे तथ्यों के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। तीसरा कहा है कि हिंडनबर्ग ने बदनीयति का सबूत दिया है, क्योंकि जल्द ही अदानी का आईपीओ आने वाला है बाजार में, और ठीक उससे पहले इस तरह के रिपोर्ट आना, किस तरीके से अदानी के तमाम शेयर्स गिरकर जो है वो नीचे आ चुके हैं, किस तरीके से अदानी दुनिया के तीसरे नंबर के अमीर की फहरिस्त से सीधे 9वें नंबर पर आ चुके हैं, ये चीज़ें कई सवाल खड़े कर रही है। और ऐसे में सत्ता पक्ष की खामोशी, चुप्पी, ये सबसे बड़ा सवाल है। रिपोर्ट में स्वतंत्रता नहीं है और ये निष्पक्ष भी नहीं है, ये अदानी ने कहा है। अदानी के ग्रुप की तरफ से जो 413 पन्नों का जो जवाब दिया गया है उसके अंदर ये बातें कही गई है। और इसी पर अब हिंडनबर्ग ने हमला किया, हिंडनबर्ग ने जवाबी हमला करते हुए कहा है कि हमारी रिपोर्ट सही है, अदानी बड़े कर्ज में डूबे हुए हैं। साथ ही साथ ये भी कहा है कि अदानी के जो कंपनियाँ हैं उसमें तकरीबन 74% जो शेयर हैं वो मॉरिशियस से फर्जी कंपनियों के जरिए खरीदे गए या इन्वेस्ट किया गया अदानी ग्रुप में। और सबसे बड़ी बात जो कही है हिंडनबर्ग ने वो ये है कि अदानी जो हैं वो तिरंगे की आड़ में छुप रहे हैं, अपने घोटाले को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहा है हिंडनबर्ग ने। और साथ ही साथ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद ये भी कहा गया है धोखाधड़ी पर इस तरह के जवाब या राष्ट्रवाद का पर्दा नहीं डाला जा सकता है। अदानी ग्रुप हमारी रिपोर्ट को भारत पर सोचा समझा हमला बता रहा है। अदानी ग्रुप अपने और चेयरमैन की बढ़ती हुई आय को भारत के विकास के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है, हम इससे सहमत नहीं हैं। हम मानते हैं कि भारतीय लोकतंत्र भिन्नताओं को समेटे हुए है, भारत एक उभरती हुई सुपर पावर है जिसका शानदार भविष्य है। हम ये मानते हैं कि भारत का भविष्य को अदानी ग्रुप ने पीछे धकेल दिया है, यह हिंडनबर्ग का जवाब आया है। और साथ ही साथ ये भी कहा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अंदर कि कोई कितना भी बड़ा अमीर क्यों ना हो, वो इस तरीके से देश के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर अपने घोटाले को छुपा नहीं सकता। ये सवाल उठ रहे हैं दोस्तों। अब सवाल ये उठता है कि जो सोशल मीडिया पर जो आईटी सेल के लोग जो एक्टिव हो चुके हैं, जिस तरीके से इस देश के अंदर एक ये माहौल बन गया कि कुछ भी मुद्दा होता है सीधे हिंदू मुसलमान बना दिया जाता है, कि एक तरफ विरोध करने वाले हिंदू हो जाते हैं, एक तरफ फेवर करने वाले मुसलमान हो जाते हैं, या एक तरफ विरोध करने वाले मुसलमान हो जाते हैं, फेवर करने वाले हिंदू हो जाते हैं, ये हवा बनाई जाती है, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। इस वक्त देश के अंदर हिंदू मुसलमान नहीं, जो देश की सोचता है, जो देश को आगे बढ़ाना चाहता है, वो इस वक्त अदानी के घोटाले पर जो ये सामने आया है, सब तमाम घोटाला, इस पर अपनी पैनी नजर रखे हुए। उस बिरादरी को ये जानना चाहिए कि 2014 के बाद से ये चला,
कि अब्दुल तो पंचर ही बनाता है, इसके अलावा क्या होगा। तो अब्दुल के स्क्रू टाइट करने के चक्कर में जिन लोगों ने अदानी में जो पैसा लगाया था वो अपना पैसा खो चुके हैं। अब्दुल तो अब भी पंचर बनाएगा, आप अपनी घसीट कर गाड़ी उसके पास ले जाएंगे, वो आपसे 15-20-50 रुपए लेगा, आपको पंचर बनाकर दे देगा। लेकिन आपने जो पैसा अदानी में लगाया, आपने जो पैसा LIC में लगाया, जो अदानी की वजह से डूबा, उसका जिम्मेदार आप किसे मानेंगे अब। दूसरी एक और बात, जो ये राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ रहे हैं कि भारत पर हमला ही अदानी बता रहे हैं, माफ कीजिएगा अदानी जी, ये भारत पर हमला नहीं है, ये आपके घोटाले पर हमला इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि आप लिस्ट उठाकर देखें, देश के अंदर जो टॉप 10 जो टैक्स पेयर्स हैं उसमें अदानी का नाम नहीं है। अदानी का जो अपनी कंपनी का जो उनका उत्थान हुआ मोदी रिजिम के अंदर, मोदी काल के अंदर, ये कई सवाल खड़े कर रहा है। क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि जो देश की जो नेटवर्थ है, देश की जो संपत्ति है, तकरीबन 70% संपत्ति कुछ चुनिंदा लोगों के पास है, बाकी के जो लोग हैं 30% लोग, उनके पास सिर्फ 30% जो गिने चुने लोगों के पास में बाकी की संपत्ति। लेकिन उसके बाद भी मैंने पहले भी कहा कि देश के अंदर जो GST का जो योगदान होता है, वो योगदान जो देश का सबसे कम हिस्सा अपने पास में रखते हैं संपत्ति का, वो लोग ये योगदान दे रहे हैं, व्यापारी लोग, अदानी और अंबानी और GST का वो हिस्सा बड़ा योगदान नहीं दे रहे हैं। और इसी तरीके से इनकम टैक्स के अंदर भी टॉप 10 जो टैक्स पेयर है भारत के, उसमें अदानी का नाम नहीं है। आप इसको देश पर हमला कैसे बता सकते हैं। जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर ये बताया गया कि आपकी अदानी की कंपनी के अंदर तकरीबन 74% जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो फर्जी कंपनियों की तरफ से मॉरिशस से हुआ है, आप इसको देश पर हमला बता रहे हैं। ये दोस्तों एक बात और याद आती है कि एक दौर था, क्योंकि ये हम कह सकते हैं कि इतिहास जो है वो दोहरा रहा है खुद को, 1967 के अंदर ये आप देखिए, ब्लीड्स ने पूछा था कि ये जो सरकार है ये सरकार बिरला की है या इंदिरा की है। और उस वक्त संसद के अंदर, क्योंकि इंदिरा की सरकार थी, इंदिरा की संसद थी, उस वक्त चंद्रशेखर ने खड़े होकर बोला था ये सरकार बिरला की है। अब 56 इंच वाली सरकार है, लेकिन सवाल पूछने वाला कोई नहीं है संसद के अंदर कि वो ये सवाल संसद ने पूछ सके कि आप बताएं भाई, या कोई पत्रकार ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारे मीडिया के लोग बदल चुके हैं, जो हमारे संपादक हैं उन्होंने गुलामी कबूल कर ली है, गुलामी को मान लिया है, गुलामी को अपना लिया है, वो सवाल नहीं उठाएंगे। तो जो इतिहास दोहरा रहा है, हालांकि उस वक्त भी जब बिरला की और तमाम चीज़ों को लेकर जब मामले उठे थे तो उस वक्त इतने बड़े घोटाले तो शायद नहीं खुले थे मेरे ख्याल से। और जो हिंडनबर्ग की जो बात की जा रही है, जिसे जिसकी रिपोर्ट को भारत पर हमला बताया जा रहा है, उसी हिंडनबर्ग ने अब तक तकरीबन पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी 62 कंपनीज को धूल चटाई है। अदानी का नंबर 63 वहां रहा है उसके अंदर। तो अब देखना यह होगा कि 2024 के चुनाव से पहले क्या कुछ ऊंट की करवट बैठता है। जो पूरे दुनिया की इकोनॉमी को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, और जो भारत की सरकार, क्योंकि हमने देखा था जब UPA के वक्त में किस तरीके से पूरी दुनिया आर्थिक संकट से जूझ रही थी और किस तरीके से मनमोहन सिंह ने हमारे देश को, भारत को निकाला था उस आर्थिक संकट से। लेकिन उसके बाद दूसरा दौर आया NDA सरकार का, BJP की सरकार का, अरुण जेटली जब बने वित्त मंत्री, उसके बाद हमने देखा कि GDP का, अर्थशास्त्र, इकोनॉमी का, तमाम को नापने का पैमाना बदल दिया गया था। तमाम डिजिट्स को जो है वो कहते ना कि एक आंकड़ों की मायाजाल बिछा दी गई थी, बढ़ाकर दिखाया गया विकास, बढ़ाकर दिखाई गई GDP, ये तमाम चीज़ों को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे। अब एक बार फिर से सवाल उठ रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर क्या ऐसी कोई साजिश चल रही है जो अदानी कह रहे हैं। अदानी का कहना है कि भारत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, भारत के लोगों को, भारत के अमीरों को टॉप 10 की फहरिस्त से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, अमेरिका पूरा मार्केट हथिया लेना चाहता है। अदानी जी, आप अपने खास जो अपने मोटा भाई हैं आपके, आप उनके अनभक्तों को बताएंगे कि आप तो इजिप्ट के साथ में भी बिजनेस कर लेते हैं, आप तो तुर्की के साथ में भी बिजनेस कर लेते हैं, लेकिन देश के अंदर आपकी फेवरेट पार्टी के जो लोग हैं, ITCL के लोग हैं, वो इस देश की जनता को, इस देश के युवाओं को हिंदू मुसलमान के अंदर लड़ाते हैं। यहां पर वो कहते हैं कि मुसलमानों का बहिष्कार करो, मुसलमानों के साथ में व्यापार न करो, जबकि आपके अदानी साहब आराम से इजिप्ट के साथ में, तुर्की के साथ में, सीरिया के साथ में आराम से व्यापार करते हैं। तो ये जो तमाम चीजें, ये देश के युवाओं को भी देखनी चाहिए और समझना चाहिए कि अदानी अगर पैसे वाले हैं, अदानी अगर टॉप 10 की लिस्ट में हैं, तो भारत को उससे क्या फायदा हो रहा है, भारत के गरीबों को उससे क्या फायदा हो रहा है। तो ये जो तमाम चीजें हैं, और जो मैंने बताया
कि हमेशा ये चलन चल रहा है पिछले 8-10 सालों से कि जब भी कोई कुछ गलत करता है तो या तो वो धर्म का चोला पहन लेता है या तो वो राष्ट्रवाद का चोला पहन लेता है, और वही अदानी जी भी कर रहे हैं। तो ये जो तमाम चीज़ें, ये देश की जनता बहुत बारीकी से इन चीज़ों को देख रही है। अब देखना ये होगा कि इस पर, क्योंकि राहुल गांधी पिछले 8 साल से लगातार मोदी सरकार को सूट बूट वाली सरकार का लकब दे रहे हैं, अब ये सूट बूट वाली सरकार और जो अदानी का जो हश्र हो रहा है इस वक्त पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट में और तमाम चीज़ों को लेकर, तो इस पर अब राहुल गांधी क्या बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी क्या बोलती है, विपक्षी तमाम पार्टियां क्या बोलती है, अब ये देखने वाली बात होगी। और देश की जनता को कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, बस संयम रखना चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए और देखना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिरकार देश में क्या चल रहा है, देश में क्या हो रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करें, इसे लाइक करें। अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर देश लाइव के पेज को फॉलो कर सकते हैं। आप सहल कुरैशी और सहल कुरैशी ऑफिशियल पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़।